कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार नोएडा जोन के अंतर्गत लुटेरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज सेक्टर 113 की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज देर रात्रि सेक्टर 113 की पुलिस FNG रोड पर चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षात फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान प्रकाश उर्फ चूहा के रूप में हुई है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि वो सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से करीब 2 वर्षों से वांछित चल रहा है। उसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसके द्वारा बताया गया कि लूटा गया और छीना गया है। जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो दिल्ली से चोरी की है। उसका एक साथी था मनीष, जो मौके से फरार हुआ है। घायल अभियुक्त का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध करीब 1 दर्जन से अधिक लूट एवं संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागा हुआ बदमाश है उसके विरुद्ध भी करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जो भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए अलग से टीम लगाई गई है। घायल बदमाश को उपचार अस्पताल भिजवा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।